हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रदर्स एजुकेशन आपके यूट्यूब चैनल BES क्लासेस पर। दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं SSC के एग्ज़ाम सेंटर, जो कि आपको पता है SSC का CHSL एग्ज़ाम आज होने वाला है। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम चल रहा है अंदर, अभी स्टूडेंट कुछ ही देर में बाहर आते होंगे। आइए उनसे रिव्यू ले लेते हैं। बाहर आते हुए सर एक बार कैमरा करिएगा स्टूडेंट की तरफ को। ये स्टूडेंट बाहर आ रहे हैं, एग्ज़ाम का एग्ज़ाम हो चुका है इनका। बात कर लेते हैं स्टूडेंट से, उनका पेपर कैसा हुआ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन जैन। मोहन जैन, कैसा पेपर हुआ आपका? काफ़ी अच्छा हुआ पेपर, ओवरऑल अच्छा हुआ आपका। यानी कि मैथ्स बढ़िया आसान थी, इंग्लिश भी इजी थी, ओरिजिनिंग के भी लगभग 15 क्वेश्चन काफ़ी इजी थे। अच्छा आपका क्या नाम है? लखन। लखन, पेपर कैसा हुआ आपका? पेपर बढ़िया था, लेकिन लेंथी था, रीजनिंग के क्वेश्चंस काफ़ी लंबे थे, काफ़ी टाइम लग गया उसमें। यानी टाइम काफ़ी लग रहा है आपको? पहली बार पेपर दिया, सेकंड टाइम? नहीं, ये तो SSC का फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट। SSC का फर्स्ट टाइम आपने एग्जाम दिया है। इंग्लिश के अंदर पूछे एंटोनियम्स किस तरह के थे? एंटोनियम्स क्यों, कौन कौन से याद है आपको? कोई एंटोनियम वो याद नहीं। वन वर्ड कितने आए हुए थे? वन वर्ड के क्वेश्चन लगभग नहीं आया था, एक भी नहीं आया। यानी कि सिनोनियम एंटोनियम कितने थे? यानी 2 से 3 क्वेश्चन थे। दो से तीन क्वेश्चन एंटोनियम सिनोनियम्स के आ रहे हैं इंग्लिश के अंदर। बात की जाए और रीजनिंग का पेपर, बात जान लेते हैं कि इन रीजनिंग के अंदर किस टाइप क्वेश्चन थे। लगभग 4 क्वेश्चन थे करंट जीके को लेकर, 4 क्वेश्चन थे। चार से पांच क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, 4 से 5 क्वेश्चन करंट जीके के आ रहे हैं। जो उनके लिए 4 क्वेश्चन थे मंत्रालय को लेकर, जो मंत्रालय से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मंत्रालय से क्वेश्चन आए हुए हैं। जो न्यू मंत्रालय बना है अभी हमारा, जो नई गवर्नमेंट बनी है उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग है कोई क्वेश्चन? पेपर काफी सिंपल था, बस टाइमिंग थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, बस बड़ा आसान था, सिंपल था काफी। यानी टाइमिंग की तो दिक्कत आ रही है स्टूडेंट को, जिसकी तैयारी अच्छी है, अगर टाइमिंग अगर वो कवर कर पाए तो पेपर इजी लेवल का आया हुआ है। पेपर पेपर बड़ा सिंपल था, बस थोड़ी दिक्कत टाइम की आ रही थी, पेपर बड़ा आसान था ओवरऑल। ओके थैंक यू। ओके थैंक यू। हाँ तो बात करते हैं दूसरे स्टूडेंट, उनका पेपर कैसा हुआ? आपका क्या नाम है? मनीष कुमार। मनीष, कैसा हुआ आपका एग्जाम? जी पेपर तो वैसे बढ़िया हुआ, लेकिन जो यहाँ पे क्या है, सेंटर गलत जगह दे दिया है, इंस्ट्रक्शन काम पूरा नहीं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम पूरा नहीं है, और जो बढ़िया व्यवस्था सर्वर की भी इतनी बढ़िया व्यवस्था नहीं मिली, सर्वर भी थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, तो उसकी आगे से थोड़ा आगे जो पेपर होंगे उसका थोड़ा ध्यान रखें। तो यहाँ जैन कॉलेज, जो श्रीगंगानगर राजस्थान में जो जैन कॉलेज है, यहाँ पे इनकी जो व्यवस्था है वो बहुत बेकार बता रहे हैं स्टूडेंट। यानी कि जो सर्वर है, सर्वर डाउन चल रहा है, पेपर के अंदर दिक्कत आ रही है स्टूडेंट्स को। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार, आपका एग्जाम कैसा हुआ? एग्जाम तो बहुत बढ़िया था, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत सर्वर की थी, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो रहा था। ओवरऑल ये बता रहे हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है और इनके अंदर एग्जाम कराया जा रहा है, यानी कि पेपर के अंदर दिक्कत आ रही है स्टूडेंट को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है। रिस्क वाला काम बता रहे हैं स्टूडेंट की, रिस्क वाला काम है, आने जाने में स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है, यानी कि पेपर करा रहे हैं कोई फायदा नहीं है पेपर कराने का, अंडर कंडीशन बिल्डिंग चल रही हुई है इनकी, सुविधाएं नहीं है कुछ भी, सुविधाओं का बहुत ही अभाव है। अच्छा अगर बात करें इंग्लिश का पेपर कैसा था? इंग्लिश का पेपर वैसे तो बढ़िया था, इतना ज़्यादा टफ नहीं था वैसे, पेपर इजी आ रहा है, मतलब ओवरऑल पेपर आपका इजी आ रहा है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पेपर बहुत इजी आ रहा है, अगर आपकी तैयारी अच्छे लेवल की है तो पेपर बहुत इजी आ रहा है। बात थोड़ी टाइमिंग की दिक्कत चल रही है, थोड़ा टाइमिंग कम है, अगर स्टूडेंट अच्छी तैयारी करेगा फिर भी टाइमिंग कम है। अच्छा आपने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया SSC का? हाँ जी, हाँ जी, पहले SSC का फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, टाइमिंग थोड़ी बहुत कम ही आती है, कोई दिक्कत नहीं, कवर हो जाएगी वो टाइमिंग। अगर हम बात करें मैथ्स की, तो पेपर मैथ्स का कैसा था? मैथ्स का थोड़ा टफ लगा मुझे, मैं मैथ्स में थोड़ा कमजोर हूँ वैसे तो, लेकिन मेरे को टफ लगा थोड़ा मैथ्स का। कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं, गुड लक आपके लिए। थैंक यू सर। अच्छा बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको कोई एंटोनियम सुनाने याद है? इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन पेपर ओवरऑल सिंपल था, जिसने अच्छी तैयारी की है उसके लिए तो बहुत सरल था, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत टाइमिंग की आती है और कुछ नहीं है, वैसे सारा पेपर सरल था, बिल्कुल सरल था। पेपर बहुत इजी आ रहा है, आप अगर अच्छे से तैयारी करके आ रहे हैं तो पेपर आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, पेपर के बारे में मैंने स्टूडेंट से रिव्यू लिया, आपको सभी को लाइव करके रिव्यू दिखाया है। पेपर बहुत इजी लेवल का रहा है, पेपर मॉडरेट लेवल नहीं है इतना, पेपर बहुत इजी लेवल का है। आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आने वाले रिव्यू को आपको हम नोटिफिकेशन भेजते रहें, ताकि आने वाली वीडियो आप देखने के बाद उनको पेपर के कवर कर सकें। पेपर बहुत इजी लेवल है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।